हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कद्दू का हलवा बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम कद्दू लेंगे, जिसे हमें काटकर कद्दूकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम कद्दू को काट लेंगे। और उसे पानी से धो लेंगे। अब कद्दू को घिस लेंगे। काशीफल अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई को गैस पर गर्म करेंगे। अब उसमें करीब 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें घिसा हुआ कद्दू डालेंगे। और थोड़ी देर तक पका लेंगे। हल्का सा पकने के बाद इसमें हम दूध डालेंगे। और दूध को अच्छे से उबलने देंगे। इसे तब तक उबलने देंगे जब तक दूध आधे से कम ना हो जाए। देखिए, दूध ऑलमोस्ट कम हो चुका है। अब इसमें 2/3 कप चीनी डालकर चलाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें 250 ग्राम मावा डालेंगे। और मावे को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 10 से 12 केसर के लच्छे डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डाले तो भी चलेगा। अब इसमें चॉप बादाम और पिस्ता डालेंगे। दस से बारह किशमिश डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। हलवा बन चुका है। अब गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे।
कद्दू का हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।